आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का साइंस, सिम्टम्स और मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सेवेंथ अप्रैल एंड से एक हफ्ते तक हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो शरीर, हम लोग के शरीर में जो हड्डियाँ होती है उसका जो ढांचा होता है वो कमज़ोर होने लगता है, इसको ही हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली 50 साल के ऊपर देखा जाता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनकी जो मंथली मेंसेस होती है वो बंद हो जाती है 45 के ऊपर, इसलिए ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ये ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मेल्स मतलब आदमियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है, लेकिन ये यूजुअली 65 या 70 ईयर्स के ऊपर होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हड्डियों का ढांचा होता है वो ढांचा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या दिक्कतें पेशेंट को आ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पेशेंट को हड्डियों में या जोड़ों में दर्द रह सकता है। पेशेंट की जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है या उनको चलने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा जो कमर की हड्डियाँ है वो पीछे की तरफ से ऊँची हो जाती है। तो ये सब होता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मिथ है, लोग ये समझते हैं कि उम्र होने के बाद हम खाली कैल्शियम विटामिन डी ले लेंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डिया की ढांचा होती है उसको मजबूत करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस है, उसका हम लोग को कोर्स करना चाहिए। जैसे ही हड्डियाँ की ढांचा मजबूत होंगी उसके ऊपर ही अगर हम लोग कैल्शियम या विटामिन डी देते हैं तब उनका डिपोजिशन बोन्स में होगा और बोन्स मजबूत होंगी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, अगर किसी की उम्र 60 ईयर्स ऊपर है आदमियों में और कोई औरत जिनकी उम्र 50 ईयर्स ऊपर है और उनको हड्डियों में रेगुलरली पेन रहता है तो उनको कोई भी नियर बाई कंसल्ट ऑर्थोपेडिक से कंसल्टेशन करना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है और उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का कुछ मेडिकेशंस की मदद से हम लोग ऑस्टियो जो हड्डियाँ की ढांचा होती है उसको मजबूत कर सकते हैं, और एक बार जब हड्डियाँ मजबूत हो जाती है तब हम लोग उसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी दे सकते हैं सो दैट द बोन्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। और पेशेंट को जो ये बोन पेन होता है, जो हड्डियाँ टेढ़ा हो जाती है, तो ये सब भी होने का संभावना काफ़ी कम हो जाता है उम्र के जैसे जैसे उम्र जाती है आगे।